महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम घर में हनुमान जी रखकर उनकी पूजा करते हैं और उस माने बड़ी प्रसन्नता भी होती है, और हमारी बालिका है जो उसका कुछ समय के लिए होश चला जाता है, तो हनुमान जी की पूजा से उसका कुछ लेना देना है? जी, हम पूजा करते, कुछ लोग कहते घर में रख के नहीं की जाती है। नहीं, तो ऐसा हमने क्यों? गुरु जी से पूछेंगे, आपके आश्रम भी हुआ है, माता जी के हाथ से जल भी पिया है हम सपरिवार, उन्होंने कहा भी था कि बालिका ठीक हो जाएगी, घर में भी रुके थोड़े आपके। अच्छा, बागेश्वर धाम भी हो गए, अर्जी भी बांध आए गुरु जी वहाँ, बहुत अच्छा, पूरा परिवार सहित। आप ऐसी करो जी, जिसने भी आपको ये कहा कि हनुमान जी की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, जी जी, तो ये मिथ्या बात है जी, बेझिझक करनी चाहिए जी। हनुमान जी को भाई रूप में, स्वामी रूप में पवित्रता के साथ खूब पूज सकते हैं। गुरु जी, हम तो स्वामी रूप में पूजते, स्वामी जी कह के बेझिझक, कोई दोष नहीं है। ऐसा जो दोष बताते हैं, भाई अगर ऐसा होता कि हनुमान जी की पूजा घर में नहीं कर सकते, तो श्री हनुमान जी की पूजा के लिए कई शास्त्रों में ऐसा लिखा भी तो होता। शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं आया है। शास्त्रों में तो आया है कि जो भी हनुमान जी का ध्यान करे, जहाँ से भी करे, वहीं श्री हनुमान जी महाराज कृपा कर देते हैं। गुरु जी, जे लगता कि बालिका का होश चला जाता तो क्या कारण है उससे? हनुमान जी से तो नहीं हो सकता, आपसे पूछते हैं हम जी। पुत्र कितना भी निकम्मा नालायक हो, बात ना माने, तो क्या पिता उस बालक को कष्ट देगा? नहीं। क्या मारेगा? नहीं गुरु जी। पीटेगा? नहीं गुरु जी। क्या कोई पिता चाहेगा कि हमारे पुत्र का आहत हो जाए? नहीं नहीं। फिर तो ये जगत पिता हैं, ये कब चाहेंगे कि हमारे भक्त का बुरा हो जाए? जी, ये कदापि नहीं। ये तो कहने की बातें हैं, लोग बना देते हैं। हनुमान जी जैसा सौम्य और सरल कोई देवता नहीं जी। बहुत हनुमान जी सरल हैं, पवित्र भाव से खूब सेवा। धन्यवाद।